जी हाँ, धूम धड़ाका तो होगा जब T20 क्रिकेट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा और मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। एक्साइटेड फैंस हैं, हम भी एक्साइटेड है, फुल हाउस है, आप देख सकते हो कि दर्शक इतने डिले होने के बाद भी हार नहीं माने, वहां पे वेट किया उन्होंने। ना पड़ेगा, लेट्स प्ले। पहली गेंद के लिए हो जाइए तैयार। नई बॉल किसके हाथ में है? रेणुका ठाकुर के। करीबी मामला, अभी तक एक भी रन नहीं मिला। बाहरी किनारा और पहली सफलता, लीजिए विकेट ले ली है मेघना सिंह ने और वापस जाना पड़ेगा डगआउट इरम जावेद को। खाता नहीं खुला है पाकिस्तान की टीम का और पहले कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है और मुझे गेंदबाजी करनी है। इस बीच एक रन और मिल जाएगा। ओ पहुंच गई साथ साथ रेणुका ठाकुर को भी ले चली। वहां पे हरमन फील्डर थे तो थोड़ा जल्दबाजी दिखाना ही था बल्लेबाज। दीप्ति शर्मा को लाएंगे गेंदबाजी के लिए। ओ अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, रन आउट का मौका भी हो सकता था। क्या ये विकेट है? रेणुका ठाकुर को और यस्तिका भाटिया को तो लगता है कि विकेट मिल गई। नॉट आउट करने रेणुका ठाकुर अपना तीसरा ओवर शुरू करती हुई। हवाई रुख अपनाया है और चार रन मिल जाएंगे। खासा प्रेशर बन रहा था मुनीबा के ऊपर क्योंकि 13 गेंदे से पहले खेल चुकी थी। आखिरकार रिलीज शॉट ढूंढा रेणुका ठाकुर के ऊपर। इस बार ऑन साइड पे बाउंड्री राइडर है लेकिन गेंद से बहुत दूर, चार और मिड विकेट की दिशा में। आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का और वो भी भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मैच में। छोटी गेंद, टॉप एज मिला लेकिन फिर से कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। चार रन और, दिशा बिल्कुल सटीक थी, छका दिया था मुनीबा को, किस्मत ने साथ दिया। अब एक बार फिर से हवा में बॉल है, कैच करने के लिए डाइव लगाई, पहुंच नहीं पाई। रिस्क तो लेना होगा अगर पाकिस्तान को 120-25-30 का स्कोर चाहिए और ऐसे स्ट्रोक्स खेले हैं तो जरूर 120-25 बन सकते हैं। बहुत ही शानदार, एक तरह से आड़ा मारा अक्रॉस द लाइन लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर। बचा हुआ है मेघना के दो ओवर, बाकी सब ओवर स्पिनर्स को डालने पड़ेंगे। बड़ी अपील ये LBW के लिए, प्लम इन फ्रंट, एक बड़ा विकेट मिला। कप्तान बिस्मा रिव्यू लिया है क्योंकि सेटल बैटर है और अगर लक उनके साथ होती कि मुझे। Okay, ball tracking, pitching, in line, impacts in line, wickets hitting, bats. इस खेलती तो बेहतर होता लेकिन अगर मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं। एक और विकेट, आसानी से अपनी नींद में भी ये कैच पकड़ लेती स्नेह राणा। झटके, एक बार फिर से वही प्रयास, अब जेमी नहीं पहुंच पाएगी। लॉन्ग लेग कटर का प्रयास है, बॉल आसमान में और फिर जेमी के हाथों में। एक बार फिर से विकेट चटकाई है रेणुका ने और रौनक लाई है अपनी। पहुंच सके ये है बड़ा सवाल। फिलहाल तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गई हैं वेदा कृष्णमूर्ति मेरे साथ, मैं हूं रमन बानोड और पहली गेंद पर 13वें ओवर की चौका आलिया के नाम। जब अंतिम ओवर्स में आपको एक बड़े हिटर की जरूरत थी। लेग बिफोर की अपील है लेकिन नॉट आउट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शायद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर था। क्या यहां पर रिव्यू लेंगे? शायद गई थी, रिव्यू ले लिया है। 5 सेकंड बचे थे DRS टाइमर पर रिव्यू मांग लिया है इस डिसीजन पे। Pitching outside, impact is umpire's call, wickets are hitting, so we go back to on field please. Lauren, stay with your decision, signal not out now, thank you. Umpire ne review manga tha check karne ke liye ki kahin run out hai to nahi. Oh, stumping ke liye mang hai yahan pe,
और शायद एक बार फिर थर्ड अंपायर को रिव्यू करना पड़े। Okay. Ball in hand. And play through for me, please. Play through. Okay, so ये नॉट आउट का ही निर्णय आएगा। मायस राधा यादव से ये थोड़ा धीरे था। ये रन आउट का मौका। और इसमें तो इतना समय था कि इंतजार करके भी बेल्स हटा सकती थी, वही किया शेफाली वर्मा ने। इसीलिए 16वां और 18वां उनके नाम और 4 ओवर का स्पेल देखने को मिल सकता है उनसे। ओह, 4 रन मिल जाएंगे। ऐसा लगा नहीं था जब शॉट खेला था कि चौका होगा, पर बिल्कुल सीधा खेला, छक्के डाला था। अच्छी बॉलिंग प्रदर्शन। इनफील्ड को एक बार आप पार करा दें तो 4 तो मिलेंगे। ओवर को समाप्त किया बाउंड्री के साथ। सिंगल डायरेक्ट हिट और ये करीबी मामला हो सकता है। 3 स्टंप्स थी एम करने के लिए मिड ऑफ। Yep. So wickets are broken. I am ready to make my decision. सिंगल के बीच ये डिसीजन आएगा आउट का। आखिरी गेंद इस ओवर की। कैच! ओह, क्या ये कॉटन बोल्ड है? अपील तो कर रही हैं शेफाली वर्मा। For me, please, director. Thanks. Yeah, fingers under the ball. Can you zoom in on that for me, please? बस कोई वजह नहीं है डिसीजन बदलने का, तो सॉफ्ट सिग्नल आउट का था, आउट का ही सिग्नल रहेगा। Which effort? स्टंपिंग होगी ये, बिल्कुल जी हाँ। हाइब्रिड सतह है ये जिस पे मुकाबला खेला जा रहा है। डाउन द ट्रैक सिंगल तो मिलेगा ही, क्या 2 की तलाश होगी? जी हाँ, और रन आउट का भी मौका है। विकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। एक और रन आउट आज की पारी में पाकिस्तान के लिए। ये अनाम अमीन बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं। विकेट आखिरी गेंद पर पारी की। राधा यादव सफलता प्राप्त करती हुई अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, जो पारी की भी आखिरी गेंद थी, और 99 पर सिमट गई है पाकिस्तान की पारी। करेंगी शुरुआत पाकिस्तान के बोलिंग की। पहली बॉल शेफाली के सामने, हल्की सी मूवमेंट मिली है, करीबी मामला था, लेकिन पहला रन ये भारत का। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरा नाम है अतीश टकराल, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से वेदा कृष्णमूर्ति का। चाहेंगी आज बड़ा शॉट इसी बीच, स्मृति मांदना का पहला छक्का भारतीय पारी का स्मृति मांदना के बल्ले से, बट गैप नहीं मिल रहा ऑफ साइड पे। इस बार फिर से वही जगह पर रन बटोरे स्मृति मांदना ने, 4 रन और जड़ दीजिए, 12 बिना किसी नुकसान के। लीजिए, आपने जिक्र किया स्मृति मांदना की स्ट्रोक मेकिंग का, एक और मुजाहिरा। क्या कला दिखाती है, एक चित्र बनाती है। खेला है तो इसलिए कंफर्टेबली कवर्स के ऊपर से बॉल मारने में सक्सेसफुल रही है। अच्छी लय में लग रही है, पहले मैच में भी बड़ी अच्छी लय में लग रही थी, बट उन्होंने विकेट थ्रो किया था यहाँ पे। कमाल का शॉट, देखिए लुत्फ उठाइए। हर बार रीप्ले देखेंगे, हर बार आप सराहना करेंगे स्मृति मांदना की। ऑफ साइड पे कहते हैं कि स्मृति मंदाना बहुत अच्छी से खेलती है, बट ये उनका फेवरेट शॉट है, जो पिकअप पुल जो फील्ड के साथ खिलवाड़ कर रही है स्मृति। इस बार गैप ढूंढ निकाला, जैसे सुई में से धागा डालते हैं वैसे ही। 25 पे है भारत का स्कोर, 99। पहला बड़ा शॉट खुलकर खेला शेफाली वर्मा ने, संकेत दिया अपने आक्रामक रवैये का। ये तो पिकअप शॉट था, अपना पावर दिखा रही है शेफाली वर्मा। अगर आप देखोगे तो बॉल पिच होके जब शिन हाइट पे आया,
वहां पे उन्होंने मारा है बॉल। कैच की मांग है, टॉप एज हुआ था लेकिन इनफील्ड के पार, चार रन और भारत के टीम के लिए, 12 रन आ चुकी है। आखिरी बॉल क्या शेफाली वर्मा एक और बाउंड्री के लिए जाएगी? जी हां बिल्कुल गई, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से चौके पे चौका, बेहतरीन ओवर, 41 रन है चार ओवर के बाद भारत के। शॉर्ट बॉल और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्क्वेयर लेग पर फील्डर तैनात थी लेकिन तब भी स्मृति मांदना को चार रन मिल जाएंगे। स्टेप आउट हवा में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और अगर फील्डर मौजूद भी होती तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि स्मृति मांदना ने एक और बार 6 रन मार दिए हैं। कदमों के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बढ़िया एग्जीक्यूट करी है स्मृति मांदना ने। फील्ड के साथ जैसे आप कह रहे थे खिलवाड़ हो रही है, ये हर बॉल पे कोशिश कर रही है कि बाउंड्री या सिक्स मारे दोनों बैटर्स। स्ट्राइक रेट देखिए, इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट, जैसा जिक्र किया था आधे से ज्यादा रन तो बाउंड्री से ही आए। क्या एक और बाउंड्री यहां मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इस बार अदा के साथ बाउंड्री मारी है, ताकत के साथ नहीं। एक बार फिर से चार रन, क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है यहां पर। पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के पास कोई जवाब नहीं है इस आक्रामक रवैये का। वर्ल्ड कप में नेट रन रेट के वजह से बाहर हुए थे भारत की टीम, तो वो दिमाग में रहेगा 100%। शिफाली की शक्ल से ही पता चल रहा था कि उन्होंने एज ढूंढ लिया था। पहला विकेट तूबा को मिलता हुआ, शिफाली 16 रन बना के, और दूसरा कहीं जो निर्णय लिया था पहले बल्लेबाजी करने का वो बैकफायर तो नहीं कर गया? मुझे लगता है कि बैकफायर कर ही गया, बहुत लेट खेला। आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है कि ये रिस्क हाई रिस्क स्ट्रोक था, अगर मिस करते तो बोल्ड हो जाते थे, लेकिन श्योर ऑफ टच। एजबिस्टन का जो ग्राउंड है जहां पर सारे मुकाबले खेले जा रहे हैं, डाउन द ट्रैक आई स्मृति मांदना, ऊंचाई मिली, दूरी भी मिली और इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा किया। लाजवाब बैटिंग स्मृति मंदाना की, बहुत ही शार्प, बहुत ही सुंदर हाफ सेंचुरी, जिस तरह से शुरू से स्ट्रोक्स खेले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये जिस तरह से स्टेप डाउन करके लॉफ्टी स्ट्रेट ड्राइव, ये बता बाजी ठीक ठाक की थी। मौका हो सकता था, ये शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे चांस था, लेकिन चार रन मिल जाएंगे मेघना को। क्राउड जो है बहुत खुश, और कि दो मेघना है डाउन द ग्राउंड, और ये चार और होंगे। लीजिए बैक टू बैक बाउंड्रीज मेघना के लिए। ओवर की समाप्ति, 88 पर एक भारत है, वो एक्शन में दिखेंगी भारत की वेटलिफ्टर। कैच का मौका हो सकता था, दो रन और मेघना के नाम। अगर नाबाद पारी खेल जाती है मेघना तो सर टाइमिंग बन जाती है शॉट्स की, जैसे ही बोला विकेट गिर गई, डाउन द ट्रैक आई और बिल्कुल गेंद को रीड ही नहीं किया, बीट हुई फ्लाइट में भी मिडिल स्टंप पीछे। 58 पर स्मृति मांदना स्ट्राइक पर होंगी इस नए ओवर की शुरुआत में। फातिमा सना अपना तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार, राउंड द विकेट। जल्दी मैच खत्म करना चाह रही है लेकिन इस बार बाउंड्री नहीं मिली, कोशिश तो वही थी। काउट पिछले मैच में आपने ट्राई किया था नंबर 3 पर, इस मैच में मेघना आई 3 पर। स्मृति मांदना मैच खत्म करती हुई इस बाउंड्री के साथ, और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में पहली जीत दर्ज कर ली है इस टूर्नामेंट के अंदर। बर्मिंघम के अंदर 8 विकेट से हराया पाकिस्तान को। नाबाद पारी